इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर। जनता पूछेगी हर एक सवाल। अब की बार किसकी सरकार। चाहे वोट किसी को भी देते पर मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोग इतना परेशान हो चुके हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और लोग चाहते हैं कि बीजेपी किसी भी तरीके से इलेक्शन हारे। 400 पार का नारा कुछ नहीं होगा, अगर धांधली करके हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि उसके ऊपर तो थप्पा पहले से लगा हुआ है। धांधली ही करती है कांग्रेस, और क्या करती है बीजेपी, बीजेपी के और कोई काम ही नहीं है। बहुत अच्छा, किसी चीज की भी कमी नहीं थी, हमें ना खाने में ना पीने में, होटलों में ठहराया गया, हर चीज की सुविधा, ऐसे ध्यान रखा गया जैसे अपने माँ बाप का भी आज के टाइम में कोई नहीं रखता, जैसे हम लोगों का ध्यान रखा गया तीर्थ यात्रा पे। इस वक्त हम दिल्ली का मूड जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं हूँ मादीपुर, यहाँ आम जनता से बात करते हैं कि आखिर उनका मूड क्या है। सर आपका नाम? रवि। रवि जी, इस बार क्या लगता है दिल्ली का मूड? मैम, दिल्ली का मूड हाल फिलहाल जो मुझे दिखता है, मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे यही पता चलता है कि लोग है ना मोदी सरकार को लाना नहीं चाहते हैं। चाहे वोट किसी को भी देते पर मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोग इतना परेशान हो चुके हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और लोग चाहते हैं कि बीजेपी किसी भी तरीके से इलेक्शन हारे, इसलिए वो आम आदमी हो, गठबंधन सरकार हो या कांग्रेस हो, इन्हीं को ही वोट देना चाहते हैं और मोदी को वोट नहीं देना चाहते। जैसे यहाँ से महाबल मिश्रा हैं और कमलजीत सहरावत हैं, तो क्या लगता है? 101% महाबल मिश्रा। क्या कारण है महाबल? कारण मैम बताया मैंने, महंगाई, बेरोजगारी और जो महिलाओं पर अत्याचार, जैसे अभी देखा था आपने जाट महिलाओं के साथ क्या हुआ, लोगों को सब समझ में आता है जब प्रधानमंत्री किस तरीके की बातें करते हैं, मंगलसूत्र की बातें, पैसे खोल ले जाएंगे, तो ये सभी बातों से लगता है कि इस बार मोदी जी को इलेक्शन में नुकसान होने जा रहा है। तो केजरीवाल सरकार ने क्या काम किया इस पर? मैम, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज हॉस्पिटल में चले जाओ और सरकारी स्कूल की अब जो कंडीशन है, मेरे खुद बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर है, तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मैम, DTC के अंदर जो महिलाओं को मुफ्त टिकट दी जा रही है, और केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है। अगर हम महाबल मिश्रा जी के कार्य की बात करें तो आप बताएंगे कौन से कार्य उन्होंने किए? मैम, उन्होंने रोड बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए और मेट्रो स्टेशन भी, आई थिंक कहाँ तक लेके गए मुझे आइडिया नहीं है, बट वहाँ तक मेट्रो नजफगढ़ की साइड पे मेट्रो स्टेशन भी लेके गए हैं। और चीफ क्या बीजेपी कैंडिडेट को मुझे सर? हाँ, बीजेपी कैंडिडेट का बताएं कि उन्होंने क्या किया। मैम, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना उनका, मैंने उनका नाम इतना सुना नहीं है, मैंने तो पहली बार इनका नाम सुना है। बाकी महाबल मिश्रा का मुझे शुरू से नाम उनका मालूम है, आई थिंक पहले कांग्रेस में थे, अब इसमें आम आदमी पार्टी में आ गए, तो इनका नाम शुरू से मालूम है, मुझे नाम भी मालूम है और काम भी मालूम है। दिल्ली का माहौल सही है, बहुत अच्छा है। केजरीवाल या मोदी? केजरीवाल जी बिल्कुल। क्या कारण है केजरीवाल? कारण ही कारण है, मोदी का कारण पूछ लो। क्या किया मोदी ने? क्या किया मोदी ने? महंगाई के अलावा किया क्या? मंदिर ही तो बनाया है, मंदिर से मेरे को खाना मिल जाएगा, दंगे करवाएगा वो ही करवाएगा, हिंदू मुस्लिम वो करवाता है, लड़ाई झगड़ा वो करवाता है, ये हमारे तरफ से तो आम आदमी पार्टी है वही आएगी। तो जैसे यहाँ से महाबल मिश्रा है, कमलजीत सहरावत है, तो किसका लगता है पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी आम आदमी पार्टी का जी, दिल्ली में और मादीपुर से तो अपना यही है। जैसे 400 पार का नारा लग रहा है, कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा 400 पार का नारा, कुछ नहीं होगा, अगर धांधली करके हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि उसके ऊपर तो थप्पा पहले से लगा हुआ है, धांधली ही करती है कांग्रेस, और क्या करती है बीजेपी, बीजेपी के और कोई काम ही नहीं है। गठबंधन का फायदा रहेगा इस बार? गठबंधन का फायदा होना तो चाहिए, जब गठबंधन हुआ है, सब सारे एक हुए हैं, तो फायदा होना तो चाहिए। बाकी मैन सत्ता में है, वो जैसे चाहेगा वैसे कर सकता है, आप सबके सामने आ चुका है वो मशीन का मामला सारा, अब देखो आगे जाके क्या होता है। जैसे क्या लगता है दिल्ली में? दिल्ली में तो ये, मैं तो यही लग रहा है केजरीवाल ही लग रहा है कि केजरीवाल ही आएगा। और आपको? केजरीवाल को देंगे हम। सबको केजरीवाल का ही लग रहा है, केजरीवाल ही आएगी। क्या कारण है कि केजरीवाल? उसने बहुत सुविधा दी है पब्लिक को, बिजली का बिल नहीं आते, बिजली के बिल भी नहीं आते, कितने कम आ रहे हैं पानी के, बिजली के। हाँ, और जो नहीं घूमे उनको सबको तीर्थ करा, यात्रा करा दिया।
हालांकि अभी हम नहीं गए घूमने, लेकिन जिन लोग गए हैं उनको तो सही है, हाँ बिल्कुल बहुत सुविधाएं मिलती है, बहुत अच्छा है। मैं तीर्थ यात्रा पे जाके आई हूँ, वैष्णो देवी जाके आई हूँ, बहुत 4 दिन का टूर था, बहुत अच्छा, किसी चीज की भी कमी नहीं थी, हमें ना खाने में ना पीने में, होटलों में ठहराया गया, हर चीज की सुविधा ऐसे ध्यान रखा गया जैसे अपने माँ बाप का भी आज के टाइम में कोई नहीं रखता, जैसे हम लोगों का ध्यान रखा गया तीर्थ यात्रा पे। जैसे अभी उन्हें जेल में रखा तो क्या मानते हैं, जेल में रखना उनको सही रहा या गलत, क्या कह सकते हैं इस बारे में? मैं कुछ नहीं कह सकती। चलो केजरीवाल जी के बारे में बताएं कि आपको उनके क्या मतलब, उनके कौन से काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? यही है कि घर की सारी सुविधाएं सही है, बिजली के बिल वगैरह नहीं आते और पानी के नहीं आते, टिकट वगैरह बस में फ्री, मतलब लेडीजों के लिए सारी फ्री है, यही सुविधाएं है। बाकी हम तो अभी कहीं घूमने गए ही नहीं है, लेकिन जो पब्लिक जा रही है उनके तो सुनते हैं ना, अभी इतना अच्छा कर रखा है। और कोई रीजन नहीं है। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं, चीफ मिनिस्टर वो बनेगा, हर हालत में बनेगा। आपकी वोट यहीं पर है? आपकी वोट यहीं से है? मेरी वोट यहीं से है। तो यहाँ पर जैसे महाबल मिश्रा है और कमल जी सहरावत है, तो क्या लगता है? अभी सोचा नहीं है इस चीज के लिए। अच्छा, अभी सोचा नहीं है, तो 25 मई तो बहुत जल्दी आने वाली है। अभी हादसा पड़ा हुआ, 7 दिन है। लग रहा है कि महाबल मिश्रा और कमल जी सहरावत में टक्कर होगी तो किसकी होगी? महाबल मिश्रा नामी इंसान है, वो ले जाएगा सीट।